हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ई लर्निंग अड्डा। सो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की, चैप्टर इंटीजर्स के एक्सरसाइज नंबर 1.3। सो लेट्स गेट इनटू इट। क्या है हमारी एक्सरसाइज 1.3, देखते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन्स हमें इनको मल्टीप्लाई करके पता करना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 3 × −1। देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको बता दिया था, अगर आपका बेस नहीं क्लियर है तो क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप जाइए इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि साइन ग्रेटर का लगेगा कि स्मॉलर का लगेगा, बस हमें ये देखना है कि माइनस प्लस क्या होता है, वो साइन यूज कर देना है, ठीक है। हमें ग्रेटर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि ग्रेटर के साथ का साइन यहाँ पे लगेगा। तो इसलिए आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। अब हम लोग फिर बात करते हैं अपने पार्ट ए की, क्या है, 3 × −1। अब देखिए, आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही आएगा। मान लीजिए हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 ही आएगा। अब 1 से 3 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 3 × −1। तो 3 × 1 = 3, कितना हो गया 3, और ये माइनस का 3, बिकॉज आपके साथ यहाँ पे साइन क्या दे रखा है 1 के साथ, माइनस का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बी की। बी में भी सेम वही कंडीशन है, यानी 225 है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 से, तो कितना आएगा, −225। ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सी पार्ट की, क्या है, −21 × −30। अब हम लोगों को 30 को 21 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हाँ यहाँ पे हमको साइन लगाना ही नहीं है कोई, तो करके देखते हैं 30 × 21, क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई। देखिए, 1 × 1 = 0, 0 × 1 = 3, क्या हो जाएगा, 2 × 0 = 2, 3 = 6, क्या हो गया, 0, 3 और 6, कितना आया, 6 = 30, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद डी क्या है हमारा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी ऑब्वियसली हमारा 316 ही आएगा, मगर माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 316, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ई की पार्ट की, −15 × 0 × −18 × 0, इसमें आपको क्या दे रखा है, 0। अब सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में 0 कहीं दिखता है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करने पर, करने के लिए जब क्वेश्चन आता है उसमें अगर आपको कहीं 0 दिख जाता है तो वहां पर आपका पूरा आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। यानी पहले मान लीजिए आपने 0 से 15 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 आया, फिर 0 आया, आपके पास ऑलरेडी एक 0 था, फिर 0 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने एफ पार्ट की, क्या है, −12 × −11 × 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 12 − 12 × −11 कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे करके देखते हैं, −12 × देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, उसको अभी भूल जाइए आप लोग, 1, 1, 2 और 1, कितना आया, 2, 3, 1, यानी 132 आया, ठीक है। अभी हम लोग 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 0, 0, 0, 2, 3, 1, ठीक है, 0, 2, 3, 1, कितना आया आपका, 1320, यानी 1320, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, यानी प्लस का 132 आया। अब प्लस के 132 को हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 1320, ठीक है, ये 0 है आपका,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी पार्ट की, क्या है 9 × −3 × −6, ठीक है, इसको भी हम लोग करके देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस, सबसे पहले देखिए 6 − 3 × −6 कर दीजिए, यानी 3 × 6 = 18, कितना आया 18, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 18 × 9 कर दीजिए, अब 18 × 9 कितना हो जाएगा 162, ठीक है, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है, 3 × 6 = 18, 18 × 9 = 162। अब एच पार्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनको कर लेते हैं, यानी 5 और 4 को, तो 5 × 4 = 20, अब 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 20 जो आपका आया है वो प्लस का आया है, अब हम लोग माइनस 18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 20 को, तो करके देखते हैं हम लोग 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 × 8 = 16, 0 × 2 = 0, 6 × 3 कितना आया आपका 360 किसका होगा माइनस का, बिकॉज यहां पे एक माइनस प्लस हो चुका है, अब जो आपका 20 आया था वो प्लस का था और ये 18 आपका माइनस का था, इसलिए आपका 360 जो है माइनस का हो जाएगा, −360 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आई पार्ट क्या है आपका, −1 × −2 × −3 × 4, अब देखिए −1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आया, यानी माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 आया, अब उसके बाद प्लस 2 को −3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी प्लस 2 एंड माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, माइनस का 6, अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 6 × 4 = 24 और माइनस का 24, ठीक है, बिकॉज हमारा देखिए दो बार हमने मल्टीप्लाई किया माइनस को 1 और 2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी अभी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, अब हम प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, क्या है −3 × −16 × −2 × −1, सबसे पहले इससे कर लेते हैं 6 को 3 से या 3 को 6 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 6 × 3 = 18, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को पहले कर लीजिए, यानी ये माइनस क्या हो गया प्लस का हो गया, तो कितना हो जाएगा 2, 1 को 2 से करेंगे 2 ही आएगा, तो 18 भी प्लस का और 2 भी आपका प्लस का, तो 18 × 2 = 36, ये आपका आंसर हो गया। सो एवरीवन, हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा।